हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आनल ठाकर, टीम ब्लूबीम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं चिराग जानी, टीम ब्लूबीम से। हेलो फ्रेंड्स, साइन बोर्ड है आपका पहला सेल्स एग्जीक्यूटिव, तो उसके लिए बजट कितना चाहिए? लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि कैसे आपका साइन बोर्ड बोलता है आपकी बोली और कैसे बनाता है एक इमेज आपके कस्टमर के दिमाग में, और आज हम जानेंगे कि कैसे आपका साइन बोर्ड बनता है आपका पहला सेल्स एग्जीक्यूटिव। दोस्तों, अगर आप छोटे दुकानदार हो या बड़े बिजनेसमैन, प्रोडक्ट सेल करने के लिए आपको आपके कस्टमर को बताना पड़ेगा कि आप किस प्रोडक्ट या सर्विस में डील करते हैं और आपके बिजनेस का नाम क्या है। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे कि आपका साइन बोर्ड, जो कि आपका पहला सेल्स एग्जीक्यूटिव है, वो कैसा होना चाहिए। जिस तरह से हम अपने नए एग्जीक्यूटिव को पूरी ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो कस्टमर के आगे हमारी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में पूरी जानकारी दे सके, उसी तरह से आपका साइन बोर्ड आपके बिजनेस की पहचान है। आपका बोर्ड देख के कस्टमर को पता लग जाना चाहिए कि आप किस प्रोडक्ट या सर्विस में डील करते हैं। तो अब बात करते हैं कि साइन बोर्ड कैसा बनवाना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों, आप ये जान लीजिए कि जब हम साइन बोर्ड बनवाने जाते हैं तो वो जिस जगह पर लगवाना है उसका मेजरमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर मेजरमेंट बिना बनवाया गया साइन बोर्ड बिना नाप के कपड़े जैसा होता है। अगर परफेक्ट फिटिंग वाले बिना के कपड़े हम पर अच्छे नहीं लगते, उसी तरह से अगर साइन बोर्ड परफेक्ट साइज का नहीं है तो अच्छा नहीं लगता है। तो दोस्तों, आप प्रॉपर मेजरमेंट ज़रूर कर लें या फिर साइन बोर्ड मैन्युफैक्चरर से जाकर मेजरमेंट करवा लें। आपका साइन बोर्ड जो आप बनवा रहे हैं वो कितने समय के लिए बनवा रहे हैं? मेरा मतलब है कि अगर आप कोई ऐसा बिजनेस करते हैं जो कुछ महीनों के बाद चेंज करने वाले या फिर कोई दूसरी जगह पे जाने वाले हैं वगैरह वगैरह, तो आप अच्छा दिखने वाला लेकिन कम प्राइस वाला या फिर कम लाइफ वाला साइन बोर्ड बनवा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, अगर आप कोई ऐसा बिजनेस करते हैं या फिर ऐसा साइन बोर्ड बनवाना चाहते हैं जो कि लॉन्ग टाइम के लिए चले, तो आपको थोड़े ज़्यादा पैसे लगाकर साइन बोर्ड बनवाना चाहिए। हेलो दोस्तों, प्रिंटिंग वाले साइन बोर्ड में ज़्यादातर फ्लेक्स बैनर का यूज़ होता है, जिसमें PVC या क्लोथ बैनर का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कम GSM वाले यानी पतला मटेरियल, ज़्यादा GSM वाले मटेरियल का यूज़ होता है। सेम उसी तरह से प्रिंटिंग में भी सॉल्वेंट प्रिंटिंग, जो टेम्पररी प्रिंटिंग कहा जाता है, इको सॉल्वेंट प्रिंटिंग, लेटेक्स प्रिंटिंग और UV प्रिंटिंग, जो लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं। यदि आप ACP वाले साइन बोर्ड में जाना चाहते हैं तो उसमें पुअर क्वालिटी यानी पार्टेशन ACP जो कम समय के लिए यूज़ होती है, और एक्सटीरियर ग्रेड ACP जो कि 5 से 10 साल तक की गारंटी के साथ हम यूज़ कर सकते हैं। हम LED की बात करें तो LED में ₹5 से LED मार्केट में स्टार्ट होती है और 3 साल से लेकर 5 साल तक की गारंटी वाली LED मिलती है। उसी तरह से पावर सप्लाई में भी रेन प्रूफ और वाटर प्रूफ होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपका बजट कम है तो आप बिना लाइट के MS फ्रेम में बना हुआ 300 GSM वाले अच्छी क्वालिटी का फ्लेक्स बैनर में आप इको प्रिंट या UV प्रिंट करवा सकते हैं। यदि आपका बजट मीडियम है तो आप ग्लो साइन बोर्ड बनवाइए, और उसमें कौन सा मटेरियल यूज़ होता है वो अभी मैं आपको बता ही चुका हूँ। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिए, आज के ज़माने में ग्लो साइन बोर्ड में CFL ट्यूबलाइट वाले बोर्ड्स न यूज़ करें। CFL ट्यूबलाइट वाले साइन बोर्ड में आपका बिजली का बिल बहुत बढ़ सकता है। यदि आपका बजट अच्छा है तो आप ACP वाले, चैनल लेटर वाले या एक्रेलिक लेटर वाले साइन बोर्ड बनवा सकते हैं, जिसका बजट ₹550 पर स्क्वायर फुट से लेके 1200 या 1500 रुपये तक बन सकता है, और उसमें आपको बहुत सारी वैरायटी भी प्रोवाइड की जा सकती है। अगले वीडियो में हम दिखाएंगे कई वैरायटी के साइन बोर्ड्स जो कि आपको हेल्प करेंगे कि आपका सेल्स एग्जीक्यूटिव कैसा होना चाहिए। लेकिन अभी भी मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि आप अपने साइन बोर्ड में जान डालें और अपने साइन बोर्ड को इतना अट्रैक्टिव बनाइए कि कस्टमर को अपने आप ही अंदर खींच लाइए, और फिर देखिए जादू। तो हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।